अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। छब्बीस मार्च को फिरोज शाह कोटला में खेले गए लो स्कोरिंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। एक समय चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीत बड़ी ही आसान लग रही थी, लेकिन मैच फिर भी आखिरी ओवर तक गया। सीएसके को दो गेंद पहले जीत मिली। वैसे तो कोटला दिल्ली कैपिटल्स का घरेलू मैदान है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टीम का चयन किया वह कई सवाल खड़े करता है। दिल्ली की हार की सबसे बड़ी वजह शिखर धवन को माना जा रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने चेन्नई के खिलाफ सबसे अधिक रन तो जरूर बनाए, लेकिन 47 गेंदों में 51 रन की धीमी पारी भी खेली। कोटला की पिच स्लो थी, मतलब गेंद बल्ले पर धीरे आ रही थी। इनिंग की शुरुआत में जब गेंद नहीं थी तब तेजी से रन बनाए जा सकते थे। सीएसके के लिए शेन वॉटसन ने ऐसा ही किया, लेकिन धवन ऐसा करने में नाकाम रहे। उनकी धीमी बल्लेबाजी की वजह से बाकी बल्लेबाज दबाव में दिखे और इसी वजह से पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत ने अपने विकेट सस्ते में गवा दिए। बात सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं है, शिखर ने खराब फील्डिंग का भी नमूना पेश किया। शिखर ने दो कैच भी टपकाए। ईशांत शर्मा के पहले ओवर की पांचवी गेंद पर शिखर ने राइडू का स्लिप में कैच छोड़ दिया। एक मौका और था जब धोनी और जाधव के बीच पार्टनरशिप पनप रही थी। कुछ ऐसी ही गलतियों की वजह से दिल्ली ने सीएसके के खिलाफ अपना मैच गवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज डेस्क।